हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज की इस वीडियो में आपको इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इस वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइल मास्टर ओपन करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है, मीडिया में जाना है और जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाटर वाले का, इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे यहाँ पे रोक के इसे यहाँ पे कैप्चर लेना है और फिर इसे बैक कर देना है या डिलीट कर देना है। मीडिया में जाना है, फिर जिस कैप्चर को आपने लिया था उसको ले लेना है, फिर यहाँ पे रोकना है, इसे क्रॉप कर देना है, इसको इक्वल कर देना है। अब आपको लेयर पे जाना है, हैंड राइटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पेंसिल सिलेक्ट कर लेना है, इसमें ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे साइज इसका 4th नंबर सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो, जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आपको जो मन करे वो लिख ले अपनी उंगली की मदद से इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, आपको इस पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है 9-10 सेकंड का। अब आपको इस हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है, इसको भी बड़ा कर लेना है। अब आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और ड्रो इन ऑर्डर इसको सिलेक्ट कर देना है। इसको जितना स्लो रखेंगे उतना अच्छा लगेगा, मैं इतना रख लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला साइज सेलेक्ट करना है, मीडिया में जाना है, लाइट इफेक्ट का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। आपको जहाँ से भी मन करे वहाँ से आप अपने वीडियो में रख सकते हैं इसको, मैं यहाँ से रख रही हूँ। जैसे एक्स्ट्रा पार्ट इसे कट कर लेते हैं कैंची वाले ऑप्शन पे जाके, इसको भी हमें 10 या 9 सेकंड का रखना है क्योंकि हमारा वीडियो 9-10 सेकंड का है, तो बस इतना कट कर देते हैं। अब आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया में जाके जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसे ले लेना है, इसे फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से आपका नेम आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, क्रोमा की में जाना है और इसे इनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है तो आपका वीडियो थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन अभी भी पूरा वीडियो नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखते रहिए। फिर आपको इस पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग में जाना है नीचे और इसे स्क्रीन वाला सिलेक्ट कर देना है। इससे थोड़ा थोड़ा आपका लाइट का इफेक्ट आ जाएगा, आपको इसको कम ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, अभी भी वीडियो पूरा नहीं बना है इसलिए ध्यान से देखिए तो समझ आ जाएगा। यहाँ लास्ट में बचे एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है, इस पर क्लिक करके कैची वाले ऑप्शन पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना है। अब हमें यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। हमें दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है और मीडिया में जाना है, जिस वीडियो को हमने एक्सपोर्ट किया था अभी उसे ले लेना है और फिर लेयर में जाके मीडिया में जाना है, जो वाटर इफेक्ट हमने सबसे पहले लिया था उसे ले लेना है और फिर इसे फुल स्क्रीन कर देना है। आगे में आपको बैकग्राउंड ब्लैक वीडियो है तो इसे हमें कट कर लेना है, कैची वाले ऑप्शन पर जाके ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, इसे आगे की तरफ करना है और इधर के एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है और नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और इसे स्क्रीन वाला सिलेक्ट कर लेना है, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आपका वीडियो बनके तैयार हो गया है। अब लग रहा है कि नेम के ऊपर से वाटर गिर रहा है और अच्छा लग रहा है। अब आपको इस
वीडियो पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे जाके इस वॉल्यूम को म्यूट कर देना है आप चाहे तो, अगर नहीं तो इसमें जो ऑलरेडी वॉल्यूम है उस पर ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसमें वॉल्यूम ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने एक वीडियो को ले लेती हूँ जो मुझे साउंड इसमें ऐड करना है। अब स्केच वाले ऑप्शन पर जाके पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंच वाले ऑप्शन पर जाके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है, इस वीडियो को डिलीट कर देना है, इससे ऑडियो मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से वीडियो, अब लास्ट के बचे पार्ट को हमें कट कर देना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो अब बन चुका है, अब हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और टिकटॉक पे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप भी इस वीडियो को बना के जल्द से जल्दी अपने टिकटॉक आईडी पर अपलोड करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।